अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में भारत में बात होनी चाहिए सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद मैंने एक्चुअली अपनी खुद की स्किन में इम्प्रूवमेंट देखी है ग्लो ज़्यादा बढ़ गया है आई फील आई डोंट नो वाई मेरे को एग्जैक्ट साइंस नहीं समझता मुझे बस ये पता है कि स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं और किसी डीप लेयर को सन अफेक्ट करता है बट आप प्लीज़ पहले तो एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझाइए कि सारे भारतीय गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को क्यों क्यों कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ भाई क्यूं? अगर आप मुझे कि सिर्फ मैं दो ही प्रोडक्ट यूज करूंगा और कुछ भी अपने स्किन में नहीं लगाऊंगा तो मैं बोलूंगी एक फेस वॉश से अपना चेहरा रात को धोइए और सुबह के टाइम पे एक सनस्क्रीन लगाइए ये तो एकदम बेसिक चीज होती है उसके साथ अगर मॉइस्चराइजर भी लगाओगे तो बेस्ट यू नो तो धूप से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है डर की बात नहीं ऑफकोर्स यू नो डरना तो नहीं चाहिए लेकिन सावधानी पर रखनी चाहिए और क्योंकि हमारे स्किन इतना प्रोन होता है टू तो डेवलप डार्क स्पॉट्स जितना हम धूप से बचे, उतना हमारा स्किन बेटर रहता है है भारतीय स्किन ज्यादा अफेक्ट हो जाती है? आ, हाँ क्योंकि देखिए जो हमारे स्किन होता है उसमें दो लेयर होते हैं ऊपर की एपिडोमिस और नीचे की डोमिस एपिडोमिस के जो आ, सबसे नीचे का भाग होता है बेसल लेयर उसमें होते हैं मेलानोसाइट्स जो बनाती है मेलेनिन तो जब भी आप धूप में जाते हो तो ये मेलानोसाइट्स और ज्यादा एक्टिव होते हैं मेलेनिन बना लेते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो जाती है तो वो और ज़्यादा फैलती है ऊपर आती है स्किन की तो इसकी वजह से डार्कनिंग होती है तो टैनिंग से बचना डार्क स्पॉट से बचना अगर आपकी एक्ने हैं तो अगर वो डार्क स्पॉट छोड़ रही है तो उसके टाइम पे भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि वो डार्क स्पॉट ना छोड़े और हमारी स्किन में जैसे हम एज करते हैं ना डलनेस और अनइवन स्किन टोन और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वर्सेज रिंकलिंग तो आ, जो स्किन की क्वालिटी जो डिट्यूर होती है सन की वजह से वो, वो सारे को हम कम कर सकते अगर हम सनस्क्रीन तो. okay. रेगुलरली फोटो है. आ, ये मैंने सालों पहले देखी थी बट आई बिलीव इट तो फोटो देखकर आप ही समझाइए की एक्टली क्या oh, yeah. है कहा जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है ट्वेंटी एट ईयर मेड द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्रक ड्राइवर्स फेस लुक ट्वेंटी बेसिकली uh, ये इंसान ट्रक चलाता है और सिर्फ एक ही साइड से धूप उनके चेहरे को हिट करती है तो दोनों साइड में इतना ज्यादा फर्क है ये साइंटिफिकली पॉसिबल है बिल्कुल तो देखिए बहुत टाइम तक डिबेट चल रहा था कि सन आ, स्क्रीन एक्चुअली ज़रूरत है कि नहीं सन का एक्चुअली क्या होता है इम्पैक्ट स्किन में तो ये फ़ोटो काफ़ी लैंडमार्क है यू नो हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये फ़ोटोज़ हमें हमेशा दिखाया जाता था और कॉन्फ्रेंसिस में हमें देखने को मिलता है कि दिस वॉज़ लाइक काइंड ऑफ अ वाटर शेड मोमेंट यू नो कि हाँ कित कैसा होता है देखो सन का इम्पैक्ट अपने स्किन में तो सन से सिर्फ डार्क स्पॉट्स ही ज़्यादा नहीं दिखते उससे कॉलेजन ब्रेकडाउन भी होता है आपको साइड में रिंकलिंग भी ज़्यादा दिखती है स्किन uh, की हीलिंग प्रोसेस भी uh, थोड़ा सा ऑल्टर हो सकती है तो डेफ़िनेटली सनस्क्रीन लगाना और धूप से बचना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दर्शाता है ये फ़ोटो और देखिए ना वो सिर्फ स्किन में चेंजेज ही नहीं उनकी सेगिंग उनका ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड कितना है उस साइड में और थोड़ा सा हेयर आईब्राउज के हेयर के लॉस भी है उस साइड में जहाँ पे सन की एक्सपोजर ज़्यादा है तो बहुत सारे लेवल्स में चेंजेस देखने को मिलता है सो येस सो दैट दिस फोटो इज प्रूफ दैट यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट यूजिंग सनस्क्रीन इज ओके पर सिर्फ हमारी देश की लड़कियाँ सनस्क्रीन यूज़ करती हैं लड़के इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते हाँ उनको शायद uh, ये भी नोशन है कि यू नो सनस्क्रीन बहुत चिपचिपा लगने लगता है और आजकल हाँ पहले ऐसा था कि सनस्क्रीन थोड़े से चिपचिप -चिप होते थे थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता था जो लड़कों को नहीं पसंद थे लेकिन आजकल के जो सनस्क्रीनज है मार्केट में जो है वो जेल बेस्ड होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ स्किन में लगाया है चिपचिपा भी नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं लगेगा कि एकदम स्वेटिंग हो रही है आपकी स्किन तो सही सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करोगे तो डेफ़िनेटली आपको उसकी रिजल्ट्स भी दिखेंगे और आपको अच्छा लगेगा यूज़ करना लेकिन हाँ हैबिट तो बनानी ही पड़ेगी ओके okay. मैंने हमारे ऑफिस के सारे लड़कियों से पूछा कि आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हो वो सारे लैकमे की एक सनस्क्रीन आते हैं वो यूज़ करते हैं आई एम अज्यूमिंग कि लैकमे सनस्क्रीन की, लैक की तरह के सनस्क्रीन इंडियन स्किन के लिए सूटेड है हाँ मतलब यस yes, बहुत सारे ऐसे यू नो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लैक में हो गया पॉन्स हो गई विच मेक्स गुड सनस्क्रीनस और ये भी है कि यू you नो know, आप जब भी सनस्क्रीन चूज़ करो तो थोड़ा रेप्यूटेबल ब्रांड चूज़ करें जो है मार्केट में थोड़े टाइम से तो आपको पता है कि उसने प्रॉपर रिगरस टेस्टिंग किया है रेगुलर वे में उनका क्वालिटी कंट्रोल हो रही है लैब टेस्टिंग हो रही है टू मेक श्योर कि जो एस पी में लिखा है वो एक्चुअली डिलीवर करती है वो तो ये सब सारी चीज़ें भी मायने रखती है वैन यू आर चूजिंग सनस्क्रीन एस क्या होता है तो एस होता है सन बॉर्न प्रोटेक्शन फैक्टर तो ये दर्शाता है कि आपके स्किन को वो सनस्क्रीन कितना प्रोटेक्ट कर रही है तो ये कैसे कैलकुलेट होता है कि सनस्क्रीन एक बार लगाया फिर आपको यू वी एक्सपोजर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि कितने टाइम के बाद आपके वहाँ पर लालपन आ रहा है कितना डोसेज में आपका वहाँ लाल हो रहा है स्किन और इस ये रेशियो होता है जहाँ पे सनस्क्रीन लगाया उसके बाद कितना लाल हो रहा है और जिस एरिया में सनस्क्रीन नहीं लगाया वहाँ कितना लाल हो रहा है तो ये रेशियो का जो नंबर निकलता है उसको हम बोलते हैं एसपीएफ तो ये एक्चुअली ह्यूमंस में टेस्ट किया जाता है और फिर जाके हम एसपीएफ का नंबर निकालते हैं तो इसीलिए जब भी आप एक सनस्क्रीन खरीदने जाओ तो उसमें एसपीएफ का वैल्यू देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे स्किन में रेगुलर बेसिस में आप यूज़ करोगे तो एसपीएफ पी थर्टी अगर आपकी स्किन थोड़ी सी प्रोन है टूवर्स तो डार्क स्पॉट्स जैसे कि हमारी इंडियन स्किन टाइप होती ही है यू नो एजन स्किन टाइप तो ऐसे केसेस में एसपीएफ फिफ्टी यूज़ करना ज़्यादा जरूरी रहता है ओके okay. यहाँ ब्रांड्स झूठ बोल सकते हैं हाँ तो ऐसा टेस्टिंग में काफ़ी पाया गया है आ, कि जो उन्होंने पैकेजिंग में लिखा है एस पी एफ़ आजकल तो सिक्सटी हंड्रेड तो वो एक्चुअली जब टेस्टिंग किया तो वो ट्वेंटी फाइव भी नहीं था या ट्वेंटी भी नहीं थी तो ऐसा भी पाया गया है येस तो इसी टाइम पर यू नो गोइंग फॉर रेप्यूटेड ब्रांड्स मेक्स डिफरेंस जो मार्केट में है काफ़ी टाइम से वो प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग करे और वो ह्यूमंस में टेस्टिंग करे और यू नो प्रॉपर मेंटेन हो उनकी क्वालिटी प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है इसीलिए आप ऐसे सनस्क्रीन चूज़ करें जिससे आपने बोला लैक में भी ऐसे एक ब्रांड है जो कि प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग करके ही मार्केट में आती है तो या सो दिस इज अ गुड सनस्क्रीन दैन टू चूज माई अंडरस्टैंडिंग एस पी एफ अगर आप मुंबई में हो तो एक कम नंबर का एस शायद चल जाएगा अगर आप राजस्थान गए या गोवा गए बीच के यहाँ गए तो एक हायर नंबर का एस पी एफ यही है लॉजिक येस yes. तो दिस मिनिमम एस पी एफ़ थर्टी तो ज़रूरत है ही अगर आप बीच में एक्सपोजर है आपकी और आपको पता है कि आप लंबे समय के लिए धूप में रहने वाले हो तो डेफिनेटली एस पी एफ़ फिफ्टी तो आप यूज़ करें उसके साथ साथ आप एक भी और चीज़ देखिए कि वाटर रेजिस्टेंट भी हो या स्वेट रेजिस्टेंट भी हो स्पेशली अगर आप गोवा की बात कर रहे हो यू you नो know, थोड़ा सा अगर आप पानी में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें वाटर रेजिस्टेंट वाली कॉम्पोनेंट भी होनी चाहिए ताकि अगर आपने वाटर के साथ एक्सपोज हुए डिप भी किया तो वो कम्प्लीटली वॉश ऑफ नहीं हो रहा है तो वो भी एक चीज़ देखना जरूरी okay. है जिसने भी एक बीच वेकेशन को एक्सपीरियंस किया आ, उन्हें सनबर्न्स भी एक्सपीरियंस mm. करने का चांस मिला है mm. जब आपकी स्किन सनबर्न हो जाती है यानी कि सूरज की रोशनी की वजह से लाल हो जाती है जलने लगती है एक्जैक्टली साइंटिफिकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म डैमेज हो रही है बिल्कुल हो रही है तो सनबॉर्न के साथ आप जितना एक्सपोज हो रहे हो ना वो क्या है एक टाइप का इंजरी ही है स्किन में इंजरी है और वो कंटिन्यूस अगर इंजरी चलती रही तो वहाँ पे होती है कंटीन्यूस इन्फ्लेमेशन फिर उससे होती है एजिंग तो उसमें होती है और ज़्यादा कॉलोजन ब्रेकडाउन तो जितना आप सनबर्न से बचोगे अपने स्किन को बचाओगे उतना ज़्यादा आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हो उतना ज़्यादा स्लो करने की कोशिश कर रहे हो एजिंग प्रोसेस को तो सनबर्न से तो प्रोटेक्ट करना ही है और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे टाइप का स्किन टाइप होती है उसमें बर्नस होने के लाइकलीहुड थोड़े कम होते हैं कोर्स एकदम ज़्यादा सन एक्सपोजर होती है तो बर्न होती है स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो वहाँ सन सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द यू नो थिन ओजोन लेयर एंड द रेज दैट यू गेट वो ज़्यादा हार्श होते हैं स्किन के लिए लेकिन ये सो दैट्स वाई प्रोटेक्टिंग स्किन अगेंस्ट दीज यू वी रेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल डार्क स्पॉट्स भी और एजिंग के इम्पैक्ट भी ओके दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ